हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर तो बहुत बहुत स्वागत है डैप हिंदी गेमिंग में। और आज हम कुछ खेल नहीं रहे हैं। मैंने सोचा बहुत दिनों से यार कोई ट्यूटोरियल की वीडियो नहीं बनी है ट्यूटोरियल की, तो एक वीडियो बनाते हैं। और मैंने थोड़ा सर्च किया कि किस बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे एक टॉपिक मिला है पबजी पीसी लाइट का। वैसे गेम तो मैं पहले से भी जानता हूँ, तो मैं वेट कर रहा था इसके इंडियन रिलीज का, पर एक्चुअल में अभी तक इसका इंडियन रिलीज हुआ नहीं है। 2 महीने हो चुके हैं वैसे भी गेम को बीटा टेस्टिंग में। अभी केवल ये 10 कंट्रीज में अवेलेबल है, तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप किसी भी कंट्री में और इंडिया में भी। तो जैसे कि इंडिया में पबजी मोबाइल धीरे धीरे बैन हो रहा है, गुजरात और राज्य में मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को जेल वेल हो गई है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्योंकि मैं अभी उतना उसमें न्यूज़ व्यूज़ में हूँ नहीं, वैसे मैं न्यूज़ में होता भी नहीं हूँ। तो फालतू की बकवास बंद करते हैं, चलते सीधे ट्यूटोरियल की तरफ। आपको नाम से पता लग ही गया होगा कि ये पबजी पीसी लाइट के लिए है, तो अगर आप पबजी मोबाइल लाइट वगैरह का ढूंढ रहे हैं तो ये कोई एमुलेटर वाला फंक्शन नहीं है, इसमें पबजी पीसी वाला है। तो जैसा कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इन्फॉर्मेशन कि पबजी पीसी लाइट पबजी के एक डेवलपर टीम का, मतलब अलग डेवलपर टीम है उसने बनाई है, और ये फ्री टू प्ले है। स्टीम के वर्जन जैसा ये बनाना चाह रहे हैं इस गेम को, पर ये फ्री टू प्ले ही रहने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले ब्राउजर खोल लेते हैं। ब्राउजर में आपको ये लिंक खोलना पड़ेगा, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी जबान फिसल रही है, रात के 9:30 ही हो रहे हैं अभी तो, ठीक है। तो ये लिंक आपको खोलनी है डिस्क्रिप्शन में से, या फिर आप सीधा भी पबजी पीसी लाइट सर्च कर सकते हैं गूगल में। ये कोई एफिलेटेड लिंक नहीं है, तो मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। पैसा तो आज तक मिला ही नहीं किसी चीज़ का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। तो मैंने डाउनलोड वाला पेज खोल रखा था, किधर गया भाई। तो ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पर आप सीधा इसकी स्पेक्स देख सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेड। तो आप इसे देख लीजिए, और ये कुछ सॉफ्टवेयर है, अगर आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं कहूँगा इन्हें इंस्टॉल कर लीजिए। गेम को इससे रन करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो आपके पास अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट ठीक है और ये सारे सॉफ्टवेयर आपके पास हैं ऑलरेडी, मेरे पास सब कुछ है ही, तो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो एक न्यू पॉपअप टैब खुलेगा इधर। जैसा कि आप देख सकते हैं कोने में डाउनलोड शुरू हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पबजी पीसी लाइट वर्जन। तो जब तक ये डाउनलोड होगा, मैं आपको बता दूं आपको इस गेम को चलाने के लिए एक पबजी का अकाउंट भी चाहिए होगा। तो उस अकाउंट को आप उसी वेबसाइट पे, जैसे कि ये वेबसाइट आपने खोली, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं। अगर आप दूसरी लैंग्वेज है तो यहाँ लैंग्वेज भी चुन सकते हैं, आई होप, मतलब मुझे लगता नहीं आपकी दूसरी लैंग्वेज होगी। तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये वाला पेज। तो मैंने पहले ही एक अकाउंट बना रखा है पबजी का, तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे बनाना है। यहाँ पे आपको अपना कोई ईमेल एड्रेस डालना होगा जो आपके पास पहले से हो, जिसके पास आप, मतलब जो आप एक्सेस कर सके, ये नहीं कि भूला हुआ है वही डाल दिया तो फिर काम नहीं बनेगा। और यहाँ पे कंफर्म करें सेम ईमेल एड्रेस को, पासवर्ड डालें जो भी है, पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करें, डेट ऑफ बर्थ चुनें, पासवर्ड यहाँ पर कोई बढ़िया सा डालें, वरना ये कभी कभी मतलब क्रिएट नहीं हो पाता है। यहाँ पर इसे क्लिक करें और क्रिएट माय अकाउंट करें। ये आपको अकाउंट पे आपका जो होगा एक मेल भेजेगा कंफर्मेशन, वहाँ से आप लॉगिन कंफर्म कर सकते हैं। वो उसके बाद आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए। वैसे इस वेबसाइट पे लॉगिन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप अकाउंट बना लेंगे और ये डाउनलोड कर लेंगे, ये अभी डाउनलोड हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ी पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरा नेट स्लो है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो चुका है डाउनलोड। तो मैं खोल दे रहा हूँ इसे, सो इन फोल्डर यहाँ पर है, इसे मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ जिससे आसानी हो मुझे। यहाँ पर कर देते हैं साइड में, इसे सीधा मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर कर लेता हूँ। और ओके, जैसा कि कोई भी नॉर्मल सेटअप आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। करेगा तो रन है, रन लॉन्चर डॉट exe, अभी इसे नहीं चलाना है हमें, फिनिश कर देते हैं। एक बार टास्क मैनेजर हम खोल लेंगे और इसमें मुझे देखना है कि कहीं इसका कोई फाइल चल तो नहीं रहा है। तो जैसा कि आप देखते, कोई फाइल नहीं चल रही है पबजी की, पबजी के नाम से। तो अब आपको चाहिए होगा, एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रीज़न क्या है। ये हमारे कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये अगर मैं यहाँ से इस लॉन्चर को खोलता हूँ तो ये सीधा सीधा कहेगा कि भाई ये तुम्हारे रीजन में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें करना ऐसा है कि सबसे पहले आप जाइए यहाँ पर नीचे अपने स्टार्ट बार में, और यहाँ पर टाइम होगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओ सॉरी, यहाँ टाइम होगा इस पर क्लिक कीजिए और डेट एंड टाइम सेटिंग में जाइए,
उसके बाद ऐसा ये सेटिंग टेक का टैब खुल जाएगा आपके में, और आपकी विंडो 10 है तो ऐसे ही खुलेगा या वरना चेंज हो सकता है। उसके बाद आपको सेट टाइम ऑटोमेटिकली इसे ऑफ करना है इन दोनों को अगर ये ऑन है तो। उसके बाद आपको इस टाइम जोन वाले पर क्लिक करना है और यहाँ से बैंकॉक का चुनना है, UTC+7 वाला, तो ये बैंकॉक का चुन लीजिए तो यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देख लीजिए, फिर डबल चेक कर लीजिए बैंकॉक ये, अगर ये गलत होता है तो ये गेम डाउनलोड नहीं होगी और चलेगी नहीं अगर डाउनलोड भी हो जाए तो। उसके बाद कट कीजिए, यहाँ पे टाइम सेट हो जाएगा बैंकॉक का। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक VPN इस गेम को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे प्रॉक्सी फायर। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है प्रॉक्सी फायर यूज़। तो ओह शिट, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया, फिर भी चलो आ गया। तो इसका मैं लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ये वेबसाइट है प्रॉक्सी फायर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे आपको करना होगा डाउनलोड, तो सीधा सीधा इसकी वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड का बहुत बड़ा सा बटन है, इस पर 31 डे का ट्रायल है, और उसके बाद आप इसको इसे खरीदना पड़ेगा। इतने 31 दिन में आप कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही लेंगे, और यहाँ से आप पोर्टेबल वर्जन भी कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी फायर डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, और इसे डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ इसे सेटअप कैसे करना है। नॉर्मली इसे जैसे भी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद ऐसा आइकन आ जाएगा। तो जब आप प्रॉक्सी फायर को खोलेंगे तो आपको सिंपल विंडो मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आपको इस लिंक पे जाना होगा, ये डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक, ठीक है। और इस एक मिनट प्रॉक्सी फायर को भी खोल लेते हैं हम बगल में। ओके, तो ऐसी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ये एकदम सेफ लिंक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आपको कंट्री चुनना है, तो या तो आप थाईलैंड चुन लीजिए या फिर सिंगापुर। तो मैं यहाँ सिंगापुर चुन रहा हूँ। किधर है भाई सिंगापुर? सिंगापुर चुन लिया है, जैसे कि आप देखते हैं 100 है। SOC 5 पर क्लिक कीजिए यहाँ पर, फिल्टर प्रॉक्सीज, और ये लोड कर देगा जो भी प्रॉक्सी अभी चल रही है। तो मैंने ये सेकंड वाली प्रॉक्सी पहले ही यूज़ कर रखी है, मैं आपको प्रॉक्सी फायर चला के दिखा दे रहा हूँ, और कैसे इसे यूज़ करनी है ये भी बता दूंगा अभी। तो प्रॉक्सी फायर जैसा आप चलाएंगे नया नया, तो वो खोल रहा हूँ मैं इसे, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा खुलेगा प्रॉक्सी फायर। इसमें आपको ये पहले से ही लोड हो गया है क्योंकि मैंने कर रखा है। तो इसमें आपको करना ऐसा है, प्रॉक्सी सर्वर में जाना है नए नए में, ये यहाँ पे बिल्कुल खाली रहेगा। आपको ऐड पर क्लिक करना है, यहाँ पर एड्रेस डालना है ये वाला IP एड्रेस, कोई सा भी जो बढ़िया सा हो। ध्यान दीजिए स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, अप टाइम बढ़िया होनी चाहिए, और रिस्पॉन्स भी। तो मैंने ये दूसरा वाला चुना है, इसमें तीनों सही सही है। तो और पोर्ट डाल लीजिए, कहाँ गया, यहाँ पर पोर्ट डाल लीजिए, SOC 5 यहाँ पर चुन लीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद ये कनेक्ट कर लेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप कनेक्ट करेंगे तो उसके 1 मिनट लग सकता है ऐसे कनेक्ट करने में। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिखाई देने लगेंगे, तो आप समझ जाइए कि ये कनेक्ट हो गया है। और इसके बाद आप IP चेक भी कर सकते हैं, ये कनेक्ट हो गया, मैं IP चेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जाइए My IP, और यहाँ से आप देख सकते हैं IP चेक करके कि आपका IP चेंज हुआ है या नहीं, मतलब VPN कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ आप IP का खोलेंगे तो यहाँ पर चेक योर IP एड्रेस की वेबसाइट हम खोल लेते हैं, ये बता देगा कि हम कहाँ से कनेक्टेड हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ बता रहा है, ये IP एड्रेस है हमारा, कंट्री सिंगापुर है। तो जैसा कि आप देखते हैं ये हो चुका है कनेक्ट। इन दोनों की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, प्रॉक्सी फायर की भी और इसकी भी, इस प्रॉक्सी वाली साइट की। और इसे करने के बाद जैसे ही आप इसे कनेक्ट कर लेंगे प्रॉक्सी फायर को, इसके बाद आपको पबजी का लॉन्चर चलाना है। कर देते हैं बगल में, मुझे इधर की तरफ ज़्यादा आइकन पसंद नहीं है। इसे करता हूँ मैं रन एज एडमिनिस्टर, यस ओके, सॉरी मैंने दूसरी स्क्रीन में ही यस कर दिया। ओके, खुलने देते हैं इसे, पहली बार जो ये खुलेगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अपडेटिंग लॉन्चर, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ही शो करेगा जो भी अभी प्रोसेस चल रहा है प्रोसेसिंग। ऑकवर्ड, ओके, तो प्रोसेस हो चुका है सब कुछ, अब ये लॉन्चर को खोल रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को एक्चुअली। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोडिंग हो रही है, ये एक्चुअली नेट से लोडिंग हो रही है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। और वैसे भी मैंने VPN यूज़ करा है, तो VPN ज़्यादातर स्लो होते हैं आपके नॉर्मल कनेक्शन से, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पबजी का लॉन्चर खुल गया है,
यहाँ पर आपको वो आईडी डालनी होगी जो आपने पहले बनाई होगी पबजी के वेबसाइट पर, जो आपने आईडी बनाई थी ईमेल से कंफर्म करके। तो मैंने आईडी पहले ही बना रखी है, तो मैं उसे इसमें कर देता हूँ लॉग इन। तो मैं अपने अभी कुछ इन्फॉर्मेशन खोलूँगा, इसलिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जब इसमें मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा तब खोलूँगा। ओके, तो मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया है और इसे कर दिया ब्लर। मैं कर देता हूँ रिमेम्बर ईमेल पर क्लिक। उसके बाद आपको लॉग इन करना है, लॉग इन पर क्लिक कर दिया मैंने, अब ये लॉग इन करेगा। उसके बाद लॉन्चर खुलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लॉन्चर खुल गया है, मतलब लोडिंग हो रही है, नेट से लोडिंग हो रही है बाबा। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है क्योंकि सिंगापुर से कनेक्टेड है नेट, तो जैसे कि आप देखते हैं धीरे धीरे खुल रहा है। तो ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा अगर आपका नेट तेज है, तो ये पूरा खुल जाएगा तुरंत। चलो जैसा भी है, तो ऐसा आपको दिखेगा। उसके बाद आपको इस बड़े से ऑरेंज बटन पर क्लिक करना है जिसपे इंस्टॉल लिखा हुआ है, और ये गेम सीधा डाउनलोड करने लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटा टेस्ट है, तो इंस्टॉल पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, इंस्टॉल पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर मेरे को प्रोसेस दिखेगा अब थोड़ी देर में, जैसे ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके, तो धीरे धीरे सारी फाइल डाउनलोड कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये 2 GB की लपेटे का है, मतलब 2 GB का साइज है इसका डाउनलोडिंग का, तो आप इसे होने दीजिए। तो ये 2 GB होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैं वीडियो बीच में पॉज कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि आप इस डाउनलोडिंग को पॉज कर सकते हैं या नहीं। मैं बीच में एक बार पॉज करके देखूँगा, तो उसके बाद मैं आपको बता दूँगा। तो अभी इस वीडियो को हम थोड़ा बंद करते हैं, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब मैं वीडियो दोबारा शुरू करूँगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये खुल गया है हमारा लॉन्चर। स्टार्ट पर हम क्लिक कर देंगे और हमारा गेम चालू होने लगेगा। ओके, तो गेम चालू हो गया है, और आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो अब ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा प्रॉक्सी फायर से, वीपीएन से, और हमारा काम हो जाएगा। तो इनिशियलाइजिंग हो गई है पहली वाली, ये सेकंड स्क्रीन पे हो रही है, कनेक्टिंग हो रही है अब। तो यहाँ पर आपको ये सर्वर बिजी बता सकता है एक दो बार। तो ये प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड लाइट वर्जन का टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी पेज है, ये खुल गया है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस, तो इसे आप जब खोलेंगे तो ये कभी सर्वर बिजी बता सकता है। तो सर्वर बिजी बताएगा तो आपको कोई बढ़िया सा प्रॉक्सी यूज़ करना पड़ेगा, कोई लोकल वीपीएन चलते नहीं है जल्दी। तो एक नेम डालना है मुझे, तो नेम मैं डाल देता हूँ, क्या डालूँ, मार्क्ड वॉरियर डाला है इस बार मैंने, देखते हैं बनता है नहीं बनता। ओके, मार्क्ड वॉरियर डल गया। सर्वर टू रिकनेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये सर्वर टू बिजी बता सकता है कई बार, क्योंकि ओके, तो हो गया है हमारा काम। चुन लेते हैं हम अपने कैरेक्टर को, कैसा होगा हमारा कैरेक्टर भाई, ये तो खतरनाक है, ये तो बस इतना ही है। डैम, ईमेल चुनो फिर। थोपड़ा दिखाओ भाई, रेड बाल मुझे ज्यादा सही लगते हैं। मेकअप, मेकअप भी है इसमें,
पता तो चल नहीं रहा कुछ। स्किन टोन ओके ठीक है था या फिर बाल दूसरे देखें तो बाल कैप्टन मार्वल जैसे हो गए ऐसे ये ठीक लग रहा है ज़्यादा तो। ओके क्रिएट कर देते हैं चेंज कैरेक्टर अपेयरेंस न्यू सीजन बीटा कंफर्म कर दिया मैंने। डे वन लॉग इन रिसीव रिसीव हो गया भाई। ओके ये लोड भी नहीं हो रहा है नेट इतना स्लो है। ठीक है क्लोज करो तो ये धीरे धीरे सब लोड होगा। कस्टमाइजेशन ओके ये सब मैं चेंज कर सकता हूँ। स्टोर है यहाँ पर सीजन इधर है प्ले इधर से कर सकते हैं। मिशंस क्या क्या हैं यहाँ से मिशन वगैरह है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। न्यू मिशन आर अपडेटेड एवरी वीक एंड रिप्लेस मैक्सिमम वन मिशन। न्यू मिशन आर अपडेटेड एवरी वीक डेली मिशन यूज एंड पेन किलर हो गए एग्जिट लॉबी तो चल रहा है ये सही। आई थिंक नहीं चल ही रहा है सही। तो थैंक यू तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।